أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को ज़ीबा हैं कि जो तमाम आलम का परवरदिगार है और वही रब है कि जिसने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया और हर तरह की नेमतों से अपने बंदों को नवाज दिया। आज हमारे प्रोग्राम इस्लाम और ख़वातीन में मौजू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपनी उम्मत के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट सदा वसलम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना 12 रबीउल अव्वल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, आपकी पैदाइश का ये महीना जो हम मना रहे हैं, और इसी मुनासबत से आज हमने अपने इस प्रोग्राम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपनी उम्मत के साथ कैसी है वो बताएँगे। आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मकाम, वो मर्तबा, वो मनसब अता किया कि और किसी नबी को वो अता नहीं हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले पैदा किया और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी नबी बनाकर दुनिया में मबूस फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर नबी को पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर ना करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपनी उम्मत के साथ कैसी है, बुखारी और हदीस की, बुखारी और मुस्लिम की हदीसों में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा आते हैं और अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये देखिए कि इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से मोहब्बत जो है वो किस तरह फरमा रहे हैं। या नबी, रोज़े मैशर, अगर आपको हमें कहीं ढूंढना हो तो कहाँ ढूँढेंगे। ये वो उम्मती हैं, ये वो सहाबा हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमा रहे हैं, और नबी अपनी उम्मत से किस तरह मोहब्बत फरमा रहे हैं, किस तरह मोहब्बत कर रहे हैं, ये हदीस मैं आपको आगे बयान करती हूँ। उससे पहले एक और हदीस मेरे जहन में आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं कि आप फरमा रहे हैं कि अगर मेरा उम्मती तकलीफ़ में होता है, कोई मुश्किल में होता है, तो मुझे खबर होती है और मुझ पे वो लम्हा बड़ा गिरा गुज़रता है, तकलीफ़ दे गुज़रता है कि जब मेरा कोई उम्मती बड़ी तकलीफ़ में होता है। तो ये देखिए, ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है अपने उम्मतियों के साथ, और ख़ास उन उम्मतियों के साथ जो नबी पे सलातुन सलाम पढ़ते हैं, जो नबी पे दुरूद के नजराने पेश करते रहते हैं। आप देखिए, नबी फरमाते हैं कि बड़ा तकलीफ़ दे वक्त होता है कि जब मेरा उम्मती ये पुकारता है, या रसूलल्लाहि उज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस मौकालना, इन ननी फिल बहर गम मुग़रक़ुन, खुद यदी साहिल लना अशक़ा लना, खुद यदी साहिल लना अशक़ा लना। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से मोहब्बत फरमा रहे हैं। साहबा पूछते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुश्किल मकाम रोज़े महशर होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर शख्स पुकार रहा होगा कि ए अल्लाह हमारी मग़फ़िरत हो जाए, हमें जन्नतुल फ़िरदौस मिल जाए, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएं, तो उस वक्त या रसूलल्लाह साया रहमत की ज़रूरत होगी, आपकी शफ़ात की ज़रूरत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको उस वक्त कहाँ ढूँढेंगे, आपको कहाँ ढूँढेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे हौज़े कौसर पे देखना, मुझे हौज़े कौसर पे देखना कि वहाँ पर मैं तुम्हें मिल जाऊँगा, कि वो मेरे उम्मती जो प्यास की शिद्दत से तड़प रहे होंगे, तो मैं अपने उम्मतियों को आबे कौसर के जाम पिला रहा हूँगा। सुभान अल्लाह, कि अपने हर उम्मती को करेगा अता, अपने हर उम्मती को करेगा अता आबे कौसर का प्याला हमारा नबी, आबे कौसर का प्याला हमारा नबी। उम्मती कहते हैं, या रसूलल्लाह अगर आप हमें वहाँ ना मिलवाए
तो फिर हम आपको कहाँ ढूंढें? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे मिज़ान पर देखना, मुझे मिज़ान पर देखना कि मिज़ान पर जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इंसान के, हर शख्स के अमाल जो तोले जा रहे होंगे, मैं उस तरफ रहूँगा कि जब मेरे उम्मतियों के अमल तोले जा रहे होंगे तो मैं हाथ उठाकर अपने रब से दुआ करूंगा कि या अल्लाह मेरे उम्मतियों को बख्श दे, अगर इनमें किसी का अमल कम हो तो या अल्लाह अपनी रहमत से उसे बख्श दे। ये मोहब्बत का तकाजा है, ये मोहब्बत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के साथ, कि अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत फरमा रहे हैं कि अल्लाह से फरमा रहे हैं कि या अल्लाह बख्श दे, या अल्लाह बख्श दे। जब आप पैदा हुए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, तो तशरीफ़ लाए आप तो पहला सजदा अल्लाह की बारगाह में किया और सजदे के बाद आपने अपने हाथों को दुआ के लिए बुलंद किया और आपने दुआ किया कि रब्बे हबली उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। उम्मत से मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहाँ कहाँ देखेंगे। हर एक चीज़ कुरान उठा के देख लीजिए, आप हदीसें उठा के देख लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की अपनी उम्मत के लिए कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना। मेराज की रात को देख लीजिए, कितना बड़ा वाकया, कितना पुरनूर वाकया है। उस वक्त भी आपने अल्लाह से यही इल्तजा की, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। ये मोहब्बत है अपनी उम्मत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहा या रसूल अल्लाह, अगर मिज़ान पर भी आप ना मिल पाए तो फिर आपको कहाँ देखें? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे पुल सिरात पर देखना। पुल सिरात जो बाल से ज़्यादा बारीक है और तलवार से ज़्यादा तेज़ है, हर उम्मती को उस पुल पर से चल कर जन्नत में दाखिल होना है। आप फरमाते हैं कि पुल सिरात पर देखना, मैं उस वक्त अल्लाह से दुआ करूँगा कि या अल्लाह मेरी उम्मत जब पुल सिरात से गुजरे तो पाक परवरदिगार मेरी उम्मत पर अपना रहम करना, अपना करम करना। तो ये मोहब्बत है नबी करीम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के साथ। तो आज देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जब हाथ उठाए दुआ के लिए तो अपनी उम्मत को याद किया, अपनी उम्मत से मोहब्बत का अल्लाह पाक के हुजूर इजहार किया। और ये बात आप सब जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत होगी तो जन्नत हासिल होगी, जन्नत मिल पाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करती हूँ कि पाक परवरदिगार हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा, आपकी सुन्नतों पर और आपकी अतात करने की हमें तौफीक अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। ऐसा तुझे खालिक ने तरह दार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरह दार बनाया और यूसुफ़ को तेरा तालिब दीदार बनाया। दुनिया के सलातीन भिकारी हैं भिकारी, दुनिया के सलातीन भिकारी हैं भिकारी, सरकार बनाया तुम्हें सरकार बनाया। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।